नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं जितेंद्र शुक्ला आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस मैं आपके साथ हूं लिब्रा ऑफिस के हंड्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो न्यूज सिलेबस पर आधारित है और लगातार आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं पूछे गए हैं जिनका सितंबर अक्टूबर या नवंबर में भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में क्या होंगे ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एग्जामिनेशन डेट एडमिट कार्ड रिजल्ट सर्टिफिकेट जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द कुछ कोर्सेज लॉन्च करेगा तो उनकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी तो बिल्कुल अपडेट रहने के लिए चैनल को क्या कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन हंड्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है राइटर की टेम्पलेट्स का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ए ऑप्शन डॉट ओ टी एस बी ऑप्शन डॉट ओ टी टी सी ऑप्शन डॉट ओ टी जी डी ऑप्शन डॉट ओ डी एफ फाइव सेकेंड का टाइम रहेगा ठीक है आप कमेंट या चैट में आंसर दे सकते हैं जल्दी जल्दी तो इसको हम लोग क्या करेंगे बहुत स्पीड में फिनिश करेंगे ओवरऑल इन क्वेश्चन को तो इसका जो राइट right आंसर होगा ये होगा डॉट ओ टी टी ठीक है राइटर की टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओ टी टी होता है बी ऑप्शन इसका राइट right होगा याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइटर की फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ए ऑप्शन डॉट ओ डी टी ऑप्शन डॉट ओ डी एस सी ऑप्शन डॉट ओ डी जी डी ऑप्शन होगा ये आपका ए होगा ठीक है ध्यान रखिएगा राइटर की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओ टी टी होता है जबकि राइटर की फाइल का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओ डी टी होता है यहां पर ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन होम बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस होम सी ऑप्शन पेज डी ऑप्शन राइट एरो जो राइट right आंसर होगा ये आपका होगा होम ठीक है जब भी हमें राइटर में लाइन की शुरुआत पर जाना होगा तो हम होम की प्रेस करेंगे जबकि हमें डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना होगा तो कंट्रोल प्लस होम ध्यान रखना डॉक्यूमेंट की शुरुआत में तो कंट्रोल प्लस होम लेकिन लाइन की शुरुआत में जाना है तो होम की का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइटर में इंसर्ट टेबल की shortcut की शॉर्टकट क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ वन बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ टू सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व डी ऑप्शन नन ऑफ द एब फाइव सेकेंड्स हैं बढ़िया क्वेश्चन है लगातार आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट right आंसर होगा ये सी होगा कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व यदि राइटर में हमें करनी है तो हम कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व की का प्रयोग करेंगे सी ऑप्शन यहां पर राइट right होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव राइटर में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है ए ऑप्शन प्रोग्राम बी ऑप्शन ग्राफ सी ऑप्शन है आपका टेक्स्ट डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया तो ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट यदि राइटर में कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो क्या कहलाएगा डॉक्यूमेंट कहलाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स राइटर में स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन एफ सेवन बी ऑप्शन एफ फाइव सी ऑप्शन एफ सिक्स डी ऑप्शन एफ फोर गुड काफी स्टूडेंट लगातार चैट में राइट right आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड इसका जो राइट right आंसर होगा ये होगा F7, ठीक है हमें जब भी स्पेल चेक करनी होगी राइटर में तो हम F7 की का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ बी ऑप्शन आर्ट प्लस एफ सी ऑप्शन स्विफ्ट प्लस एफ डी ऑप्शन टैब प्लस एफ सेवन गुड बहुत बढ़िया चैट में राइट आंसर आने लगा है तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आ रहा है तो सी होगा सिफ्ट प्लस एफ सेवन यदि हम स्पेल चेक की बात करेंगे तो F7 सेवन शॉर्टकट की होगी लेकिन यदि हम ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बात करेंगे तो शॉर्टकट की सिफ्ट प्लस F7 होगी सी ऑप्शन यहां पर राइट right होगा और यह भी शॉर्टकट की बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है लिब्रा ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस पी डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी अच्छा क्वेश्चन है सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्वायर हम लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो जो ऊपर लिखते हैं उसी को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और लिब्रो ऑफिस राइटर में इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है और ये सभी जगह होती है चाहे आपका कैलसी हो चाहे वो आपका इंप्रेस हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी जो है वो क्या है भैया सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन राइटर में लिब्रा ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस 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 कंट्रोल प्लस प्लस इक्वल टू सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस पी डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस प्लस बी अच्छा क्वेश्चन है इसका जो राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस बी सब स्क्रिप्ट एस टू केमिस्ट्री पढ़ा होगा बेस में लिखना पड़ता है तो सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस बी याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन राइटर में अपडेट स्टाइल की शॉर्टकट की होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ इलेवन बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एफ इलेवन सी ऑप्शन सिफ्ट प्लस एफ इलेवन डी ऑप्शन नन ऑफ द दाइव हैं गुड बहुत बढ़िया तो बिल्कुल इसका जो राइट right आंसर होगा ये आपका होगा कंट्रोल प्लस प्लस एफ एलेवन बी ऑप्शन यहां पर राइट right होगा अपडेट स्टाइल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ इलेवन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन राइटर में टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार होता है ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा क्यों क्योंकि राइटर के टूल बार में जो टाइटल बार होता है वहां पर क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होता है मैं रिपीट कर रहा हूं राइटर हो आपका हो या हो, किसी के भी टाइटल टूल बार होता है, जबकि में में होता था लेकिन लिब्रा ऑफिस में नहीं होता है और यहाँ पे बोला है होता है, इसलिए ये होगा। Next question number 12, राइटर में मिनिमम कितना फॉन्ट साइज होता है ए ऑप्शन है सिक्स बी ऑप्शन है फोर सी ऑप्शन है सेवन डी ऑप्शन है एट तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सिक्स होगा जब हम सेलेक्ट करेंगे राइटर में क्या करेंगे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम फॉन्ट साइज जो हमें मिलेगा वो सिक्स मिलेगा ठीक है सेलेक्ट करने पर एंटर करेंगे तो टू होता है यदि हम कीबोर्ड से लिख रहे हैं तो मिनिमम फॉन्ट साइज टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन राइटर में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं ए ऑप्शन नाइनटी बी ऑप्शन सेवेंटी सी ऑप्शन एट्टी डी ऑप्शन सेवेंटी एट तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा 96 सिक्स ठीक है राइटर में आप अधिकतम फ़ॉन्ट साइज नाइनटी सिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राइटर में अधिकतम कितना फ़ॉन्ट साइज एंटर कर सकते हैं ए ऑप्शन वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बी ऑप्शन ट्वेल्व हंड्रेड नाइन सी ऑप्शन नाइन 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 पॉइंट नाइन डी ऑप्शन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सेकेंड्स हैं बताएगा राइट आंसर क्या होगा गुड बहुत बढ़िया तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा कुछ स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन ध्यान रखिएगा यदि आप में प्रिंट प्रिव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस प्लस पी बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस प्लस ओ सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ टू डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ एलेवन तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा ध्यान रखिएगा राइटर में हो या आपका कैलसी हो या इम्प्रेस हो ड्रा हो सभी जगह प्रिंट प्रव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है मैं रिपीट कर रहा हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन राइटर में मिनिमम कितना जूम होता है ए ऑप्शन टेन परसेंट बी ऑप्शन ट्वेंटी परसेंट सी ऑप्शन फाइव परसेंट डी ऑप्शन फिफ्टीन परसेंट तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान रखिएगा ट्वेंटी परसेंट होता है आपका कैल्सी में भी और राइटर में दोनों में मिनिमम फॉन्ट साइज ट्वेंटी परसेंट होता है जबकि इम्प्रेस में फाइव परसेंट होता है मैं रिपीट कर रहा हूं कैल्सी और राइटर में दोनों में मिनिमम फॉन्ट साइज जूम सॉरी फॉन्ट साइज नहीं जूम मिनिमम जूम ट्वेंटी परसेंट होता है जबकि इम्प्रेस में फाइव परसेंट मिनिमम जूम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन राइटर में मैक्सिमम कितना जूम होता है ए ऑप्शन 200 परसेंट बी ऑप्शन में मैक्सिम जूम 600 हंड्रेड परसेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 राइटर में एस की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस बी ऑप्शन आल्ट प्लस एस डी ऑप्शन नन ऑफ द एब तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इसकी शॉर्टकट की होती है राइटर में सेव एस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस एंटर बी ऑप्शन आर्ट प्लस एंटर सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंटर डी ऑप्शन नन ऑफ द एबब तो इसका जो राइट right आंसर होगा ये आपका होगा कंट्रोल प्लस एंटर ठीक है ध्यान रखिएगा पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की स्विफ्ट प्लस एंटर मैं रिपीट कर रहा हूं पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की स्विफ्ट प्लस एंटर याद रखिएगा एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे ठीक है लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ इलेवन बी ऑप्शन प्लस प्लस सी ऑप्शन ऑप्शन डी नन ऑफ द तो इसका जो राइट right आंसर होगा राइटर में यदि हमें न्यू स्टाइल लानी है तो स्विफ्ट प्लस एफ इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एन बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टी C option F5, D option none of the above. इसका जो राइट आंसर होगा F5 होगा, ठीक है? राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है होती है. राइटर में की जो शॉर्टकट की होती है वो एफ फाइव होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड लिब्रा ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की होती है ए ऑप्शन एफ टू बी ऑप्शन तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी को पता होगा चैट में राइट आंसर आने भी लगा है एफ वन होगा ठीक है लिब्रा ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की एफ वन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर लिब्रा ऑफिस में मैनेज स्टाइल्स की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन F12 ट्वेल्व बी ऑप्शन F2 टू सी ऑप्शन F4 फोर डी ऑप्शन F11 तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा F11, ठीक है यदि न्यू स्टाइल है तो स्विफ्ट प्लस एफ इलेवन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी ठीक है यहां पर था क्वेश्चन जस्ट मिनट ज्यादा ऊपर था ठीक चलिए कोई बात नहीं और यदि हमें मैनेज स्टाइल करनी तो एफ इलेवन इसका शॉर्टकट की होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राइटर में कमेंट्स का ऑप्शन कहाँ होता है ए ऑप्शन इंसल्ट बी ऑप्शन एडिट सी ऑप्शन फॉर्मेट डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी तो इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी होगा ठीक है राइटर में कमेंट का ऑप्शन आपका इंसल्ट मेन्यू में भी होता है और एडिट मेन्यू में भी होता है यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राइटिंग राइटर में स्टाइल लागू करने के लिए करते हैं सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टू डी ऑप्शन जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस वन होगा यदि हमें अप्लाई करनी है तो कंट्रोल प्लस वन इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन राइटर में फॉन्ट का न्यूनतम साइज होता है ए ऑप्शन जीरो बोला था जब सेलेक्ट करेंगे तो सिक्स रहेगा और एंटर करेंगे तो मिनिमम फॉन्ट साइज टू रहेगा मैक्सिमम नाइन्टी सिक्स टाइप करेंगे तो ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट राइटर में इंसर्ट कमेंट की शॉर्टकट की

डी ऑप्शन एडिट तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा फॉर्मेट ठीक है राइटर में जो वाटर मार्ग का ऑप्शन होता है वो फॉर्मेट मेन्यू में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन फॉल्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ट्रू होगा हाइपर लिंक ध्यान रखना कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट स्कैल सी में सेल को डिलीट करते समय कौन सा ऑप्शन नहीं होता है ए ऑप्शन शिफ्ट सेल्स अप, बी ऑप्शन शिफ्ट सेल्स लेफ्ट सी ऑप्शन सेल डाउन डी ऑप्शन नन ऑफ द एब तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा शिफ्ट सेल डाउन शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन नहीं होता मैं रिपीट कर रहा हूं शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन नहीं होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट नेम बॉक्स का ऑप्शन कहाँ होता है ए ऑप्शन है फार्मूला बार के लेफ्ट में बी ऑप्शन है फार्मूला बार के राइट में सी ऑप्शन है बिलो मेन्यू बार डी ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो याद रखिएगा फार्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स होता है मैं रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स होता है जहां पर करंट सेल का एड्रेस दिखता है मैं रिपीट कर रहा हूं नेम बॉक्स में करंट सेलेक्टेड सेल या रेंज बहुत सारे सेल्स का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कैल के टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ए ऑप्शन 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 बी सी डी तो इसका जो राइट right आंसर होगा ये आपका होगा डॉट ओ टी एस कैल सी के टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है

Kelsey में सेल एडिट मोड में करने की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन बी ऑप्शन 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 सी डी तो इसका जो राइट right आंसर होगा ये आपका होगा डी एफ टू ठीक है यदि हमें कोई भी करंट सेल को एडिट मोड में करना है तो एफ टू प्रेस करेंगे तो सेल एडिट मोड में वो हो जाएगा कैलसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में कुल कितने कॉलम होते हैं ए ऑप्शन टू फिफ्टी सिक्स बी ऑप्शन 16,384 तो इसका जो होगा होगा 1,024 होगा, में 1,024 में 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 होते हैं Next question number 37 में का किस में होता है ऑप्शन फॉर्मेट बी ऑप्शन टू सी ऑप्शन इंसर्ट तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फॉर्मेट ठीक है ध्यान रखिएगा मर्सल का ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है Next question number 38, कैसी अल्फाबेट में लेफ्ट अलाइन होते हैं जबकि नंबर राइट अलाइन होते हैं तो बिल्कुल बात सत्य है। याद रखिएगा जब भी हम कोई अल्फाबेट एंटर करेंगे जैसे राम राम वन टू थ्री ठीक है तो ऐसी चीजें एंटर करेंगे तो हमारा वो लेफ्ट अलाइन होगा लेकिन ये प्योर नंबर जैसे वन टू थ्री टू फोर सिक्स सेवन ऐसा एंटर करेंगे तो वो राइट right अलाइन होगा ये बात सत्य है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कैल सी में वैल्यू कॉलम विथ से ज़्यादा होने है तो कौन सी इर आती है ए ऑप्शन नम बी ऑप्शन हैज़ वैल्यू सी ऑप्शन नल डी ऑप्शन हैज़ हैज तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा ध्यान रखिएगा जब क्या होगा कॉलम विथ से ज़्यादा होगी वैल्यू तो हैज़ हैज हैज की इर आती है डी ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी कैल सी में पाईवोड टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है ए ऑप्शन इंसल्ट बी ऑप्शन डाटा सी ऑप्शन सीट डी ऑप्शन टूल्स बढ़िया क्वेश्चन है आ भी चुका है इसका जो राइट right आंसर होगा बी होगा ठीक है कैल्सी में पाइवर टेबल का ऑप्शन डाटा में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी लिब्रा लिब्रो ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है तो बिल्कुल इसका जो राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस ई ठीक है फटाफट खत्म करते हैं लिब्रो ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस ई होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में में प्रीवियस रो जाने की शॉर्टकट की क्या होती है तो बिल्कुल इसका जो राइट right आंसर होगा प्लस एंटर यदि हमें प्रीवियस रो पर जाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी स्विफ्ट प्लस एंटर ध्यान रखिएगा एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सीट पर चले जाएंगे स्विफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो प्रीवियस सीट पर प्रीवियस रो पर आ जाएंगे इसलिए ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कैल्सी में अधिकतम कितना जूम होता है ए ऑप्शन तो राइट राइटर में हमारा 600 परसेंट होता है जबकि कैल्सी में हमारा फोर होता है और इम्प्रेस में थ्री परसेंट होता है याद रखेगा तीनों के मिनिमम जूम क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कैलसी में न्यूनतम कितना जूम होता है ए ऑप्शन टेन परसेंट बी ऑप्शन ट्वेंटी परसेंट सी ऑप्शन थर्टी परसेंट डी ऑप्शन फाइव परसेंट तो पता होगा बिल्कुल इसका जो right होगा, ये ट्वेंटी परसेंट होगा ठीक है कितना होगा ट्वेंटी परसेंट होगा कैल्सी और राइटर में मिनिमम जूम ट्वेंटी परसेंट ही होता है इम्प्रेस में फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव कैलसी में कॉलम विथ बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती तो यहां पर इसका जो राइट right आंसर होगा ये आपका होगा सी ठीक है

उन्हीं को ग्रिड लाइन बोलते हैं और वो ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट होकर नहीं आती हैं इन्होंने बोला है आती हैं इसलिए ये फॉल्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 a2 कोलन b4 में कितने सेल सेलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल यहां पर यदि हम काउंट करेंगे तो a2 a3 a4 b2 b3 b4 मतलब सिक्स सेल हमारे सेलेक्ट होंगे कोलन क्या बता रहा है जैसे एक मैंने कहा भाई 1 टू 100 लिखो तो कोलन बताता है टू ठीक है एक A2 A2, से B4 B4 तो A2, A3, A4, B2, B3, B4, six cell select होंगे ए पर राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इक्वल टू सम 5 कॉमा प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट के अंदर 5 कॉमा 2 का आउटपुट क्या होगा तो बहुत ही आसान है ध्यान रखिएगा पहले प्रोडक्ट इनर फंक्शन सॉल्व होगा तो फाइव टू 10 ठीक है और फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा तो फिफ्टीन राइट आंसर मिल जाएगा फाइव टू जा

तो बिल्कुल यहां पर जो राइट right आंसर होगा बी होगा इनकरेक्ट फंक्शन नेम ठीक है जब भी हम हैज नेम नेरर देंगे तो इनकरेक्ट फंक्शन नेम होगी तभी इन क्या होगा हैज नेम आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में formula या फंक्शन किससे शुरू होता है ए ऑप्शन एक्सप्लेनेशन साइन बी ऑप्शन डॉलर सी ऑप्शन हैज डी ऑप्शन इक्वल टू तो बिल्कुल इसका जो राइट right आंसर होगा डी होगा इक्वल टू ध्यान रखिएगा फॉर्मूला या फंक्शन की शुरुआत इक्वल टू से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी PMT फंक्शन का प्रयोग होता है किस लिए भाई EMI निकालने के लिए ध्यान रखिएगा PMT फंक्शन का प्रयोग जो हम लोग EMI भरते ना उसी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं फटाफट खत्म करेंगे अब कैलसी में नंबर अलाइन होता है तो बिल्कुल राइट अलाइन होता है हमने ट्रिफॉल्स में भी ऊपर पढ़ा भी था कैलसी में जो हमारा नंबर होता है वो राइट right अलाइन होता है नेक्स्ट 53 कैल्सी में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है बहुत बार पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है तो जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है कैल्सी में जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कैल्सी में फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्या होती है तो बिल्कुल इसका जो राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस वन ठीक है कैल्सी में आपके फॉर्मेट सेल की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वन होती है ध्यान रखिएगा जबकि राइटर में कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो वहां पर वन लागू हो जाएगी और सी में में करेंगे तो सेल का होकर आ जाएगा Next question 55, सी में इंसर्ट सेल्स की, की क्या होती है तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल प्लस प्लस सेल्स सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है मैं रिपीट कर रहा हूं कंट्रोल के साथ जितनी बार आप प्लस करते जाएंगे इंसर्ट होते जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस सेमिकॉलन होती है ध्यान रखिएगा जब भी हमें डेट इंसर्ट करनी होगी तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रस करेंगे क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी Kelsey में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमिकॉलन डेट है तो कंट्रोल प्लस सेमिकॉलन और जब टाइम आ जाएगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसकी क्या हो जाएगी शॉर्टकट की हो जाएगी ने फिफ्टी एट कैल सी में सीट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फाइव सेकेंड दे रहा हूं बताइएगा राइट आंसर क्या होगा ए है सीट बी है बताइएगा राइट आंसर क्या होगा गुड बहुत बढ़िया तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइएगा क्या होगा कुछ लोगों का राइट आंसर आने लगा बिल्कुल सिर्फ सीट वन होगा ठीक है सीट वन इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन Kelsey में पहले सेल का एड्रेस कौन सा होता है तो बिल्कुल ए वन होता है ध्यान रखिएगा एक्सएल हो या कैल्सी दोनों में पहले सेल का एड्रेस ए वन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैल्सी में किस सेल में लिखा गया या फॉर्मूला तो बार कह लीजिए या इनपुट लाइन कैल्सी में जो लिखते हैं कॉन्टेंट ना उसको सेलेक्ट करेंगे तो कहां पर दिखेगा फॉर्मूला बार लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं इनपुट लाइन बोलते हैं क्या बोलते हैं इनपुट लाइन बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन स्लाइड शो के समय प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड जोड़ सकते हैं ए ऑप्शन ऑप्शन है true, B option है ट्रू बी फॉल्स तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा ठीक है स्लाइड शो so के समय हम क्या नहीं कर सकते प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड नहीं जोड़ सकते याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे स्लाइड चल रही होगी उस समय हम नई स्लाइड नहीं जोड़ सकते ऑप्शन 62 आते हैं 62 पे आते हैं इंप्रेस में कितने अलाइनमेंट होते हैं तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा सिक्स अलाइनमेंट होते हैं सेंटर सी ऑप्शन राइट डी ऑप्शन जस्टिफाई तो बिल्कुल इंप्रेस में भी जस्टिफाई नहीं होता डी ऑप्शन राइट होगा इंप्रेस में मेन्यू की संख्या कितनी होती है ऑप्शन है ट्वेल्व बी ऑप्शन है टेन सी ऑप्शन है थर्टीन डी ऑप्शन है 14. तो बिल्कुल इसका इसका जो होगा होगा. ये ठीक है? है जिन ने बी बोला उनका सही है, में मेन्यू की संख्या टेन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव इंप्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा स्लाइड में ध्यान रखिएगा मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपका स्लाइड में

इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है डॉट ओ टी डी पी डॉट ओ डी एम डॉट ओ डी टी डॉट ओ डी एस बढ़िया क्वेश्चन है लगातार डॉट ओ डी पी ध्यान रखिएगा इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओ डी पी सत्तर इम्प्रेस की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ए ऑप्शन डॉट ओ डी पी बी ऑप्शन डॉट ओ टी पी सी ऑप्शन डॉट ओ डी ओ टी डी डी ऑप्शन डॉट ओटीएम तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा बी डॉट ओटीपी ध्यान रखिएगा इम्प्रेस की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओटीपी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इम्प्रेस में स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा एफ5 वो यदि हम राइटर में F5 प्रेस करेंगे तो नेविगेटर आएगा जबकि हम इम्प्रेस में एफ5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट होगा इम्प्रेस में प्रेस करने पर स्लाइड शो स्टार्ट होता है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है पूछी गई है बहुत बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इम्प्रेस में करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो बिल्कुल स्विफ्ट प्लस एफ फाइव होती है ठीक है यदि मैं करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाना है स्विफ्ट प्लस एफ फाइव F5 प्रेस करेंगे तो so नंबर फर्स्ट तो so तो वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 थ्री इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एम कंट्रोल प्लस एम प्रेस करने पर न्यू स्लाइड आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन लागू होता है स्लाइड ट्रांजिशन लागू होता है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन हमारा स्लाइड पर लागू होता है ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड पर लागू होता है एनिमेशन टेक्स्ट इमेज टेबल मतलब ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है जबकि ट्रांजिशन स्लाइड पर लागू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इंप्रेस में कौन सी फाइल प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ सकते हैं

और देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली आएंगे तो ढंग से याद कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी नाइन स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ होता है तो बिल्कुल स्लाइड ट्रांजिशन का जो ऑप्शन होता है वो आपका फॉर्मेट में होता है मैं रिपीट कर रहा हूं स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी निम्नलिखित में कौन सा व्यू इंप्रेस में नहीं होता है इम्प्रेस में कौन सा व्यू

स्लाइड पर हेडर फुटर नहीं लगा सकते तो ये फॉल्स होगा लगा सकते हैं ध्यान रखिएगा आप राइटर राइटर तीनों में ही आप क्या कर सकते हैं हेडर फुटर लगा सकते हैं इन्होंने यहां पर बोला नहीं लगा सकते इसलिए फॉल्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फोर इंप्रेस में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी बी ऑप्शन कंट्रोल जी सी ऑप्शन शिफ्ट जी डी ऑप्शन आल्ट प्लस जी तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं डॉट पी डी एफ डॉट बी एम पी डॉट एक्स एम एल आल ऑफ तो यहाँ पर आल ऑफ होगा ठीक है मतलब यदि आपने प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप उसको फर्दर अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स में क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स

निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ए ऑप्शन ऑफिस बी ऑप्शन टैली सी ऑप्शन फोटोशॉप डी ऑप्शन लिब्रा ऑफिस तो ध्यान रखना लिब्रा ऑफिस हमारा क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस की फाइल का डिफॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन वन होता है तो बिल्कुल ये क्या है सत्य है ट्रू है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी बेस डाटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ए ऑप्शन डॉट ओ डी बी ऑप्शन डॉट ओडीएस डॉट ओडी डी ऑप्शन में ड्राइंग के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं ऑप्शन पेंट बी ऑप्शन राइटर सी ऑप्शन पब्लिशर डी ऑप्शन ड्रा फाइव सेकेंड्स है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और भैया मेहनत की जा रही तो लाइक तो बनता है लाइक भी करिए और शेयर करिए मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए इसका जो राइट आंसर होगा यहां पर ड्रा होगा ठीक है क्या होगा ड्रा होगा लिब्रा ऑफिस में ड्राइंग के लिए ड्रा का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू लिब्रा ऑफिस में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस ठीक है ये होगा ब्रैकेट ओपन ठीक है ओपन ब्रैकेट से आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा ऑफिस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता जस्टिफाई मुझे लग रहा है ऊपर हो चुका है क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन स्लाइड मेन्यू में होता है ऑप्शन सेकेंड्स है, है, है और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इसमें सिक्स क्वेश्चन सोल्ट हैं ठीक है थीके? मैंने सोचा था हंड्रेड क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर हंड्रेड नहीं है पीडीएफ में नाइन्टी फोर ही है ठीक है तो सिक्स क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आज के लिए हम लोग नाइन्टी फोर ही क्लास रखे हैं, मतलब क्वेश्चन रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा ठीक है और मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा ठीक है मिलते हैं कल शाम सात बजे नए क्वेश्चन के साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ गुड बाय प्रिपरेशन करते रहिए